मेरा नाम असद है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हुंडई एंड ऑटोनिक्स को। करंटली मेरी पोजीशन है एज अ बिजनेस मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एट जुबली कॉरपोरेशन। IEEE का एक आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन दिस इंडस्ट्री। ओवर अ डेकेड ये लोग एग्जीबिशंस कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं। IEEE फेयर एक अच्छा इवेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड लोग अपने प्रोडक्ट्स आके एग्जिबिट कर सकते हैं। साथ में जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, स्टूडेंट्स है, इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो आके एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। तो काफ़ी फोकस्ड इवेंट होता है। एडवांटेज इसमें यही होता है कि अस एज एग्जिबिटर्स हमें सीखने मिलता है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्या है लोगों को, जिसके ऊपर हम फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने सोल्यूशंस एग्जिबिट कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल होते हैं लेकिन लोगों को फुल पोटेंशियल उसका नहीं पता होता। तो जब यहाँ पे आते हैं हम अपनी पूरी रेंज दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट होते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरिया है ये मेरे ख्याल से हमेशा से बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है और आगे चलते हुए भी आई फील कि इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ बढ़ती रहेगी। ये इसलिए क्योंकि अब चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जीज आ रही है, सोलर के ऊपर लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है। तो एनर्जी की एफिशिएंसी के ऊपर बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एफिशिएंसी में आपके साथ में ऑटोमेशन का बड़ा इम्पैक्ट आता है। सो इसके लिए आपको बड़े अच्छे ब्रांड्स की ज़रूरत भी होती है, प्रोडक्ट्स भी आपको ऐसी चाहिए जो एक्चुअल एफिशिएंसी दे सके, मॉनिटरिंग भी कर सकें, जिसमें फिर लोगों का फीडबैक इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट्स लगाए हैं जिसमें उनको इश्यूज़ फेस होते हैं तो या क्या वो मसला एक्चुअली प्रॉब्लम में है या ड्यूरिंग द लाइन मिसमैच हो रही है। तो उसके लिए हो सकता है कि उसी प्रोडक्ट्स को फाइन ट्यून किया जा सकता है, उनकी ट्वीकिंग होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी लग सकते हैं। तो ये एक आगे चलते हुए जैसे जैसे नई चीज़ें और आएंगी ये चीज़ें भी डेवलप होंगी। पीछे ब्रांड्स भी अपनी R&D के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, नए प्रोडक्ट्स इसीलिए ला रहे होते हैं। और इसमें अब सॉफ्टवेयर का भी एलिमेंट काफ़ी आ गया है जिसके ऊपर एक सोल्यूशन आप कंप्लीट प्रोवाइड कर सकते हैं विद दीज प्रोडक्ट्स। बदर एक्सपो ये मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर से IEEE को मैनेज करता है। इसके जो फेयर्स होते हैं इनका भी आई थिंक काफ़ी अहम रोल है क्योंकि एक इवेंट कराना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। उसकी वर्किंग मेरे ख्याल से जब एक फेयर ख़त्म होता है उस वक्त से ही स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट इवेंट वर्किंग स्टार्ट होती है, फिर प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट ईयर किसे लाया जाएगा, लोगों को अरेंज कराना ताकि रेलेवेंट लोग भी आए और एग्जिबिटर्स को भी इंटरेस्ट उस एग्जिबिशन में रहे। तो लास्ट ईयर इन्होंने काफ़ी अच्छे एक आउटकम रखा था। बदर की मैनेजमेंट भी खुद आके हर एग्जिबिटर से मिल रही थी, उन्होंने अपने चीफ गेस्ट को भी मिलाया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, साथ में जो भी मार्केट में लोग थे उनको भी एक अच्छा मौका मिला। एंड इनकरेजिंग होता है जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट ईयर ज़्यादा लोग भी इनकरेज होते हैं आने के लिए। तो आई थिंक एक इनका जो सपोर्ट शुरू से रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है इस एग्जिबिशन की सक्सेस के लिए। एंड फ्यूचर में भी आई होप कि इसी तरह ये कंटिन्यू करते रहें। सो जुबली कॉरपोरेशन एस एन अम्ब्रेला एक गोल्ड स्पॉन्सर रहा है। इसके अंदर हम अटोनिक्स एंड हुंडई को भी स्पॉन्सर करते हैं एज गोल्ड स्पॉन्सर्स। ये हमारा शुरू से रहा है क्योंकि ये इवेंट इस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक है, तो हमारे लिए भी ये इवेंट काफ़ी अहमियत रखता है, जिसके लिए हमने शुरू से ही इस इवेंट को सपोर्ट करने की कोशिश की है। एंड हमने यही कोशिश की है कि हर साल हम इसमें पार्टिसिपेट करते रहें, सपोर्ट करते रहें, अपने एंड से भी जितना हम इसे मार्केट कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, इट्स नॉट के इंडिविजुअल लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। सो अस एज गोल्ड स्पॉन्सर्स वी ट्राई कि हम जितना मैक्सिमाइज़ कर सकें इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए।